नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंगा। साल 2024 के चुनाव के लिए अपक्ष और विपक्ष सीधे सीधे हुंकार भरता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां एक और विपक्ष बेरोजगारी, यहां पर महंगाई और जिस तरीके से अगर बात करें कई आम जनता से जुड़े मुद्दों को उठाकर अब भारतीय जनता पार्टी या फिर यूं कहें केंद्र में बैठी बीजेपी से सवाल खड़े करता हुआ नजर आ रहा है, पूछता हुआ नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं जनता से जुड़े इन मुद्दों को आधार बनाकर चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि बीजेपी भी अब चुनावी तैयारियों में जुट चुकी है और बीजेपी का जो सबसे बड़ा यहाँ पर मास्टर स्ट्रोक साल 2024 के लिए है वो है UCC, जी हाँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड। और इस वक्त जिस तरह से अगर बात करें यहाँ पर बीजेपी की, तो आपको बता दें कि बीजेपी इस वक्त सिर्फ MY फैक्टर ही नहीं बल्कि अब सीधे सीधे MY और Z फैक्टर को अपनी तरफ करने में लगी हुई है, यानी कि मुस्लिम, यादव और दलित, यानी कि दलित जो वोट बैंक है। अब इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी एक और वोट बैंक को अपनी तरफ करने लगी है, यानी कि मुस्लिम वोट बैंक में ही जिस तरह से पसमांदा मुस्लिमों की अगर बात करें तो अब पसमांदा मुस्लिम वोट बैंक को भी अब बीजेपी अपनी तरफ करने में लगी हुई है। और पसमांदा मुस्लिम का जो मुद्दा है वो भारतीय जनता पार्टी समय समय पर उठाती हुई दिखाई दी। बता दें कि 20 जुलाई को यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो बिल है वो संसद में लाया जा सकता है। मानसून सत्र की जब शुरुआत होगी तो इस बिल को पेश किया जा सकता है और इस वक्त बीजेपी के पास जो आंकड़ा है उसके आधार पर इस बिल को पास भी कर दिया जाएगा। और इसी बीच अब बड़ी जानकारी सामने आ रही है पसमांदा मुस्लिमों को लेकर के। बता दें कि पसमांदा मुस्लिम को लेकर के जो बड़ी खबर है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को साल 2024 के चुनाव में सीधे सीधे जीत दिला सकते हैं, क्योंकि अब तक दावा किया जा रहा था कि शायद यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध यहां पर विपक्षी दलों के साथ साथ पसमांदा मुस्लिम भी कर सकते हैं। लेकिन हैरानी होगी आपको ये जानकर कि पसमांदा मुस्लिमों ने UCC यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध नहीं किया बल्कि इस बिल के समर्थन में अब पसमांदा मुस्लिम उतरते हुए दिखाई दे रही हैं। सवाल ये उठ रहा है कि क्या वाकई में इसीलिए बीजेपी अब तक पसमांदा मुस्लिमों को अपने खेमे में करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं सभी इस चीज को बेहतर तरीके से जानते थे कि अगर यूसीसी लाया गया तो इसमें अल्पसंख्यक समुदाय के लोग सबसे ज्यादा विरोध करते हुए दिखाई देंगे। ऐसे में पसमांदा मुस्लिम्स अगर यूसीसी का समर्थन करते हैं तो कहीं ना कहीं इसका पेश होना और इस बिल का पारित होना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। अब आखिरकार ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि पसमांदा मुस्लिमों ने यूसीसी का समर्थन कर दिया है, अब आपको वो बताते हैं। दरअसल आपको बता दें कि राष्ट्रवादी मुस्लिम पसमांदा महाज के अध्यक्ष आतिफ रशीद ने समान नागरिक संहिता का समर्थन करते हुए कहा कि देश संविधान से चलेगा और यूसीसी का समर्थन करते हैं। आतिफ राशिद राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। देश में इन दिनों समान नागरिकता को लेकर बहस छिड़ी हुई है। पक्ष और विरोध में लोग और तमाम दल तरह तरह के तर्क दे रहे हैं और ऐसे में आतिफ राशिद जो कि पसमांदा मुस्लिम महाज के अध्यक्ष माने जाते हैं, उन्होंने इस बिल का समर्थन कर दिया। बता दें कि आतिफ रशीद ने कहा कि संविधान के आर्टिकल 44 के अनुसार सरकार की जिम्मेदारी है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना। अगर मोदी सरकार अपनी जिम्मेदारी संविधान के प्रति ईमानदारी से निभाती है तो हम देश के पसमांदा मुसलमानों को यूसीसी पर सहमति बनाने के लिए संवाद करेंगे। अपील करते हैं कि आप किसी भी तरह के छलावे में ना आइए, हमारा देश संविधान से ही चलेगा। पसमांदा मुसलमान अब बाबरी और शाह बानो वैसी CAA की मुखालफत की तरह अब किसी साजिश का शिकार नहीं बनेगा। दरअसल आपको बता दें कि समान नागरिक संहिता के सभी धर्मों के लिए एक कानून की व्यवस्था होगी, हर धर्म का पर्सनल लॉ, जिसमें शादी, तलाक, संपत्तियों के लिए अपने अपने कानून। यूसीसी के लागू होने से सभी धर्मों के रहने वाले लोगों को सिविल नियमों से ही निपटाए जाएंगे। यूसीसी का अर्थ शादी, तलाक, गोद लेने, उत्तराधिकार, संपत्ति का अधिकार से जुड़े कानूनों को सुव्यवस्थित करना होगा। और अब जिस तरह से समान नागरिकता
संहिता भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 का हिस्सा है। संविधान इसे नीति निदेशक तत्व में शामिल कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 44 में कहा गया कि सभी नागरिकों के लिए समान नागरिकता संहिता लागू करना सरकार का दायित्व है। अनुच्छेद 44 उत्तराधिकार, संपत्ति अधिकार, शादी, तलाक, बच्चे की कस्टडी के बारे में समान कानून की अवधारणा पर आधारित है। यूसीसी के लागू होते ही हिंदू यानी के बौद्धों, सिखों और जैनियों समेत मुसलमान, ईसाइयों, पारसियों को लेकर सभी वर्तमान कानून निरस्त हो जाएंगे और एक कानून बना दिया जाएगा। बीजेपी का तर्क है कि समान नागरिक संहिता लागू होने से देश में एकरूपता आएगी। अगर यूसीसी लागू होता है तो देश भर में सभी धर्मों के लिए विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेने और संपत्ति के बंटवारों जैसे विषयों में सभी नागरिकों के लिए एक जैसे नियम होंगे और इससे कहीं ना कहीं देश के लोगों के बीच प्रेम की भावना और ज्यादा बढ़ सकती है। अब ऐसे में सवाल लगातार ये उठ रहा है कि जिस तरीके से पसमांदा मुस्लिम सीधे सीधे यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन करते हुए दिखाई दे रही हैं, क्या 20 जुलाई को जब संसद के मानसून सत्र में इस बिल को पेश किया जाएगा तो बीजेपी अपना ये मास्टर स्ट्रोक जिसे मान रही है कि साल 2024 के चुनाव में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल ही वो सबसे बड़ी वजह होगा जो मोदी सरकार को एक बार फिर से सत्ता में वापस लाने के लिए वजह बनेगा। आपकी इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और बाकी ऐसी खबरों के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार। मुख्यमंत्री वजीर आला से हमारी मुलाकात हुई जिसमें हम तमाम ने जनाब के चंद्रशेखर राव साहब से इस बात का मुतालबा किया, इस बात की गुजारिश की कि बीजेपी हुकूमत की तरफ से, नरेंद्र मोदी की सरकार की तरफ से जो यूसीसी लाने की बात की जा रही है, हमने तेलंगाना के मुख्यमंत्री और वजीर आला से ये कहा कि आप उसका पोस्ट करिए, उसकी मुखालिफत करिए। हमने चीफ मिनिस्टर को इस बात का याद दिलाया कि पिछले 10 साल से तेलंगाना स्टेट में उनकी सरकार है, स्टेट में पीस बहुत स्ट्रांग हुआ है, अमन मजबूत हुआ है। हमने चीफ मिनिस्टर को और बीआरएस के प्रेसिडेंट को ये भी बात याद दिलाई है कि पूरे मुल्क में अगर किसी असेंबली में CAA, NPR, NRC के खिलाफ एक रेजोल्यूशन पास हुआ था वो तेलंगाना के असेंबली में सबसे पहले हुआ था। और हमने चीफ मिनिस्टर को अपने रिप्रेजेंटेशन में ये बात दिलाई कि जब CAA का रेजोल्यूशन तेलंगाना में असेंबली में पास हो रहा था तो उस वक्त BRS की हुकूमत ने, सरकार ने उस रेजोल्यूशन में प्लूरलिज्म और सेकुलरिज्म की बात की। तो हमने चीफ मिनिस्टर को ये बावर किया, ये इम्प्रेस किया कि यूसीसी हमारे देश के प्लूरलिज्म के लिए एक अच्छी बात नहीं है, सेकुलरिज्म के लिए अच्छी बात नहीं है। हमने चीफ मिनिस्टर से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो लॉ कमीशन को जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक नोट दिया है जो 74 पेजेस पर मुश्तमिल है, उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमारे प्रेसिडेंट मौलाना खालिद सैफुल्ला रहमानी साहब उनको बताए हैं कि कैसे बीजेपी यूसीसी के नाम पर इस मुल्क के प्लूरलिज्म और सेकुलरिज्म को कमजोर करना चाहती है। हमने बीआरएस के प्रेसिडेंट वो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर को भी बताया कि सिर्फ ये मुस्लिम माइनॉरिटी का मसला नहीं, ये क्रिश्चियंस का भी मसला है, ये मसला ट्राइबल से भी जुड़ा हुआ है और सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल नहीं है, तेलंगाना में ट्राइबल है, मध्य प्रदेश में ट्राइबल है, छत्तीसगढ़ में ट्राइबल है, गुजरात में ट्राइबल है, राजस्थान में ट्राइबल है, उनका कल्चर है और उसका तहफ़ करना। और ये सिर्फ ट्राइबल नहीं बल्कि हमारे हिंदू भाइयों के लिए भी ये चीज़ अच्छी नहीं होगी क्योंकि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के तहत 3000 करोड़ का टैक्स रिबेट हमारे हिंदू भाइयों को मिलता है 2015 के इनकम टैक्स के फिगर्स हैं। और अगर यूसीसी आएगा तो हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, ये तमाम चीजें खत्म हो जाएंगी। तो ये मुल्क के लिए ठीक नहीं है, हमारे मुल्क का प्लूरलिज्म हमारे मुल्क की खूबसूरती है और भारत के प्रधानमंत्री को प्लूरलिज्म से एलर्जी है, वो प्लूरलिज्म को पसंद नहीं करते।
हमने चीफ मिनिस्टर को के चंद्रशेखर राव के बताया कि भारत के प्रधानमंत्री बोलते कि एक घर में दो कानून कैसे होगा, तो आज आप देखिए कि भारत के प्रधानमंत्री ने गलत कहा, मिसगाइड किया पूरे नेशन को। हमारे मुल्क में सीआरपीसी हर स्टेट में अलग है, हमारे मुल्क में दो कानून है। अगर आप देखेंगे तो नागालैंड में सीआरपीसी का अभी तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। हमारे देश में अगर आप कोई बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज है उनका आर्बिट्रेशन की हमने सहूलत दी कि वो सिंगापुर जाकर आर्बिट्रेशन करा सकते, तो ये बात कहना प्रधानमंत्री का बिल्कुल गलत है। प्रधानमंत्री प्लुरलिज्म को पसंद नहीं करते, तो ट्राइबल का मसला है, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल का नहीं है। अमित शाह अगर ये नागास को बोल रहे हैं कि नहीं हम ट्राइबल्स को लॉ कमीशन एक्सेप्ट करेगा, तो फिर छत्तीसगढ़ के ट्राइबल का क्या होगा, तेलंगाना के ट्राइबल का क्या होगा, झारखंड के वो टेनेंसी लॉज का क्या होगा, छत्तीसगढ़ के ट्राइबल्स का क्या होगा। तो ये भारत की खूबसूरती, उसका प्लुरलिज्म है, उसकी डाइवर्सिटी है, जो आरएसएस और बीजेपी को पसंद नहीं आती। तो इसलिए हम सीएम से बात किए और चीफ मिनिस्टर ने साफ और वाजे अल्फाज में, इन क्लियर कट टर्म्स, चीफ मिनिस्टर ने कहा कि बीआरएस पार्टी यूसीसी का पोस करेगी। बल्कि चीफ मिनिस्टर आगे बढ़ के ये बात कहे हैं कि वो लाइक माइंडेड पार्टी से भी बात करेंगे। हमसे भी कहा कि वो भी, हम भी जाकर लाइक माइंडेड पार्टी से बात करें। मैं तेलंगाना के और डेलीगेशन के बिहाफ पे तेलंगाना के सीएम का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इन नो क्लियर का, बल्कि क्लियर कट उन्होंने कहा कि हम यूसीसी का पोस करेंगे। और देश में बहुत ज्यादा दूसरे मसाइल हैं और उन मसाइल पर बीजेपी नाकाम साबित हो रही है, इसीलिए बीजेपी ये सब चीजें देश के सामने ला रही है। तो हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, उनकी पार्टी की तरफ से भी एक प्रॉपर मेरे ख्याल से आप लोगों को स्टेटमेंट भी आएगा। और मैं आपके जरिए से हमारे आंध्र प्रदेश के हमारे दोस्त जो चीफ मिनिस्टर जगनमोहन रेड्डी है उनसे भी मैं अपील करूंगा कि जगनमोहन रेड्डी के, हम आंध्र की पॉलिटिक्स को समझते हैं, मगर हम उनसे अपील कर रहे हैं कि वो उनकी पार्टी यूसीसी का पोस्ट करे। जो पार्टी प्लुरलिज्म को मानती है, जो भारत के डाइवर्सिटी को मानती है, जो भारत के, भारत एक मोजाइक है उसको मानती है, तो उनको यूसीसी को अपोज करना है। और अगर जगनमोहन रेड्डी टाइम देते हैं तो हम भी जाकर जगनमोहन रेड्डी से मुलाकात करेंगे। इस मीटिंग में और भी दूसरे इश्यूज भी उठे, माइनॉरिटी वेलफेयर के ताल्लुक से, ओवरसी स्कॉलरशिप के ताल्लुक से, वक्फ प्रोटेक्शन के ताल्लुक से, ओल्ड सिटी में मेट्रो के ताल्लुक से, साथ ही साथ माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन में जो लोन्स हैं, इंडिविजुअल लोन्स जो देना बंद किए हैं, तो चीफ मिनिस्टर ने कहा कि चार पांच दिन के अंदर वो 230 करोड़ रिलीज करेंगे, जिसमें ओवरसीज स्कॉलरशिप जो रुकी हुई है और दूसरे जो स्कीम्स हैं। तो ये एक मोटी मोटी बातचीत हुई है। तो हम हाँ, ये सेक्रेटेरिएट के मसाजिद को जल्द से जल्द, और जो दूसरे रिलीजियस स्ट्रक्चर्स हैं वहां पर प्लेसेस हैं उसको भी खोला जाएगा, और गच्ची बोली में जो इस्लामिक सेंटर है उसका भी काम शुरू होगा। ये बहुत से इश्यूज के ऊपर सीएम ने हमसे कम डेढ़ पौने दो घंटे बातचीत हुई है, हम शुक्रगुजार हैं। इस मीटिंग में केटी रामाराव साहब भी थे, चीफ मिनिस्टर ने हमसे कहा कि मैंने इस मीटिंग की इम्पोर्टेंस को समझते हुए, उन्होंने राज्यसभा और लोकसभा के अपने फ्लोरिडर्स को भी बुला लिया और उनसे भी कहा कि वो यूसीसी के ताल्लुक से क्लियर कट स्टैंड बीआरएस पार्टी का है कि उसको अपोज करते हैं। ये आज की